हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी क्या बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं? गप्पी फिश हर दिन बहुत सारे आप लोग मर रही है और आप लोग भी समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से गप्पी फिश जो नॉन स्टॉप मरते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में 7 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके वजह से एक गप्पी फिश जो होता है वो नॉन स्टॉप मरना स्टार्ट हो जाती है। और ये ऐसा ऐसा रीज़न है, आप लोग भी सुनिएगा तो आप लोग भी कुछ रीज़न सुन के बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाए क्योंकि आप लोग कभी भी ऐसा फॉलो नहीं किए होंगे। इसलिए आज का जो भी वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए आज का जो भी वीडियो है इसको पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहला सबसे मेन प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो होता है फीडर फिश। हम लोग जब भी ये सारे फिशेस को बाय करके लेके आ जाते हैं तो ये सारा फिशेस को, क्योंकि ब्रीड करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इसलिए भी ये सारे फिशेस को बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी बड़ी फिशेस जो होता है वो सारे को फीड में देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे फीडर फिश बनाया जाता है। फीडर फिश बनाने से उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम होता है और ये सारे फिशेस को हम बड़े फिशेस को लाइव फूड के तौर पे हम लोग देते हैं। वो सारी बड़ी फिशेस जो होता है ये सारे फिशेस को चेस करके खाती है जिसके वजह से इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम होता है और हम लोग जल्द से जल्द जाके ये सारी फिशेस को ले लेते हैं क्योंकि हम लोग दूसरे शॉप में सुनते हैं कि ये फिश का दाम जो है वो 90 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ पेयर है, लेकिन यहाँ पर मुझे 10 रुपीज़ पेयर में मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो कम चीप प्राइस वाला वो सारे फिशेस को बाय कर लेते हैं। तो ये सारा चीप प्राइस का जो फिशेस होता है, इसका आप कलर देखिएगा, दोनों में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर की, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपको देख के ही समझ में आएगा, लेकिन वही कम प्राइस वाले आपको देख के समझ में आएगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहेगी, उसका कलर वगैरह जो है वो एकदम फेड हो जाएगा। नॉर्मली वो वाइट कलर की, ब्लैक कलर की नॉर्मली मिलती है, इसलिए वो सारा फिशेस को बाय मत कीजिएगा क्योंकि वो सारा फिशेस को बहुत गंदे तरीके से ब्रीड किया जाता है। वो लोग का इम्यून सिस्टम वगैरह इतना वह ब्रीड करते करते बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है जिसके वजह से अगर ये सारे फिशेस को अगर आप अपने टैंक पर डालिएगा भी, क्योंकि बहुत ही लो इम्यून सिस्टम होने के वजह से वो लोग बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर कम होगा या कुछ भी होगा वो बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। इसलिए राइट क्वालिटी एक फिश का लेना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा ब्रीड लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो जो भी आप फीडर फिश ले रहे हो उसमें कोई भी डिजीज़ है, वो फीडर फिश को अगर आप अपने टैंक में डालिएगा तो हो सकता है आपके पूरे टैंक में वो सारा डिजीज़ फैल जाए। इसलिए फीडर फिश को एकदम ही बंद कर दीजिए लेना। और फीडर फिश को मैं तो ये भी बोलूँगा, कभी भी मत लीजिए दूसरे फिशेज को खिलाने के लिए क्योंकि वो सारा फीडर फिशेज में बहुत सारे इंटरनल पैरासाइट्स वगैरह होता है। डेफिनेटली अगर आप वो सारे फिशेज को अपने बड़ी फिशेज को दीजिएगा तो वो तुरंत खा के बीमार पड़ जाएगी। इसलिए फीडर फिशेज को मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, एकदम स्टॉप कर दीजिए बाय करना। सेकेंड नंबर पर आता है लो टेम्परेचर। ये फिश को लो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, एकदम भी पसंद नहीं है। इसलिए कभी भी अपने टैंक का टेम्परेचर लो मत जाने दीजिए। लो मतलब कितना, 28 से अगर नीचे जाता है टेम्परेचर उसके बाद ये फिश देखिएगा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। कुछ भी सही से खाती है तो इंटरनल पैरासाइट्स होने का डर हो जाता है। इंटरनल पैरासाइट्स तभी होता है जब हम लोग थोड़ा लाइव वॉर्म्स वगैरह या फिर कुछ नॉनवेज वगैरह देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस यही रिकमेंड करूँगा, ये फिश को ज़्यादा लो टेम्परेचर में मत रखिएगा। और अगर लो टेम्परेचर में रख रहे कोई प्रॉब्लम के वजह से तो ज़्यादा नॉनवेज वगैरह मत दीजिएगा, सिर्फ उस टाइम पे पैलेट्स वगैरह दीजिएगा क्योंकि अगर आप नॉनवेज दीजिएगा डेफिनेटली उसको बहुत ही आराम से कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगा, वो फिर मरना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। लो टेम्परेचर में आप देखिएगा एक फिश जो है वो हमेशा हाइडिंग प्लेसेस में छुप के बैठे रहेगी या फिर बहुत ज़्यादा डरी भी रहेगी या फिर हमेशा आप देखिएगा ग्रेवल्स के ऊपर में बैठी रहेगी, ज़्यादा स्विम नहीं करेगी। लो टेम्परेचर होने के वजह से उन लोगों का इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है जिसके वजह से उन लोग का जो एक्टिविटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए लो टेम्परेचर मेंटेन मत कीजिएगा। अगर आपके टैंक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम जा रहा है तो टैंक में एक हीटर लगाइए और उस हीटर को 24/7 रन कीजिए, 27 या फिर 28 डिग्री सेंटीग्रेड में। आप जैसे ही हीटर रन कीजिएगा तब आप देखिएगा आपकी जो फिशेज वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, देखिएगा पानी में तेज़ी से स्विम करेगी। जब भी आप हाथ वगैरह ऊपर डालिएगा पैलेट्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगी, स्विम करेगी पैलेट्स वगैरह के लिए, हमेशा भूखा जो है वो भूखा फील करेगी। ये होना एक फिश का हेल्दी हैबिट शो करता है कि ये फिश जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। थर्ड नंबर पे आता है सॉल्ट।
हाँ आप लोग भी सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, ये जो फिश है ये तो फ्रेश वाटर फिश है। तो हम लोग सॉल्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सॉल्ट ये फिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, ये फ्रेश वाटर फिश तो है ही, लेकिन ये सॉल्टी वाटर में भी बहुत इत्मीनान से रह लेती है। तो ये जो सॉल्ट वाटर है इसमें भी फिशेज को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। ये सॉल्ट वाटर में रहने से उसका बहुत सारा बेनिफिट्स है, ये फिशेज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। इसलिए जब भी आप ये सारा फिशेज अपने टैंक में रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट डालिएगा। इससे फिशेज़ को डिजीज़ से फाइट करने में टैंक में आपको कोई भी टाइप का डिजीज़ नहीं होगा। ये जो रॉक सॉल्ट है ये आपके फिशेज़ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा और आपकी भी जो फिशेज़ है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। इसलिए टैंक में थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट ज़रूर से डालिएगा। रॉक सॉल्ट का नंबर ऑफ एडवांटेजेस है, ये एक एंटीबायोटिक की तरह कोई भी फिशेज़ के लिए वर्क करता है। कोई भी फिशेज को कोई भी छोटा मोटा चोट वगैरह लग जाता है, रॉक सॉल्ट रहेगा टैंक में तो इससे भी फिशेज़ का जो चोट है वो बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। रॉक सॉल्ट की वजह से कोई फिश अगर आपका बहुत ज़्यादा डरी हुई है तो उसका स्ट्रेस को भी कम करने में रॉक सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए इस फिश का टैंक में थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट डालिएगा, क्योंकि इसको रॉक सॉल्ट से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। हर पानी चेंज जब भी आप करते हैं 10% पानी चेंज करते, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट भी डाल दीजिएगा, इससे फिशेज़ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ नंबर पे आता है बैड वाटर क्वालिटी। बहुत लोग क्या करते हैं, वीकली पानी चेंज वगैरह नहीं करते। ये लोग सोचते हैं ये छोटी फिशेज है ये कितना ही पानी गंदा करती होगी, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते ये फिश बहुत ही ज़्यादा पानी गंदा करती है। ये अगर आपको थोड़ा सा छोटा सा अगर टेस्ट करना है तो आप देखिएगा नीचे का सारा ग्रेवल्स को आप हटा दीजिएगा और एक दिन आप जैसा पैलेट्स वगैरह देते थे वैसा पैलेट्स वगैरह दीजिएगा, तो आप देखिएगा दिन के एंड में आपका जो बॉटम ऑफ द टैंक है उसको बहुत सारा फिश्ड वेस्ट फिश्ड पूप से एकदम भरा पड़ा रहेगा। ये अलग बात है, ये हमको समझ में नहीं आता है जब ग्रेवल्स वगैरह रहता है, लेकिन जब ग्रेवल्स नहीं रहेगा एम्प्टी टैंक रहेगा तब आपको समझ में आएगा ये फिश बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। और जितना ये टैंक में वेस्ट रहेगा उतना ही तेज़ी से आपका जो पानी है वो ख़राब होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टैंक में एक फ़िल्टर लगाते हैं। ये फ़िल्टर कंटिन्यूसली जो भी वेस्ट है इसको अपने अंदर टाल लेता है और पानी को क्लीन रखता है। बट कोई ऐसा भी वेस्ट होता है जो कि ग्रेवल्स के नीचे फंस जाता है और वहाँ से फिल्टर तक नहीं जा पाता है, इसलिए भी मंथ में एक बार ग्रेवल्स के नीचे का साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीकली पानी चेंज करना 10-15% भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिश बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, लेकिन ख़राब थोड़ा सा अगर पानी का क्वालिटी रहेगा इससे फिशेज़ का हेल्थ में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इसलिए कभी भी ज़्यादा टाइम तक फिशेज़ का टैंक का जो पानी है उसको गंदा मत रहने दीजिएगा, वीकली पानी चेंज करते रहिए जिससे कि फिशेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे। फिफ्थ नंबर पर आता है टू मिनी मेल्स इन अ टैंक। इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग ये सारे फिशेज बाय करके लेके आते हैं तो हम लोग देखते हैं मेल्स जो होता है वो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। मेल्स का बड़ा फिन होता है जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फीमेल्स को बाय ही नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टैंक में मेल्स को डाल देते हैं। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ मेल्स को डालिएगा या फिर फीमेल्स को कम रखिएगा तो आप देखिएगा ये सारा मेल्स के बीच में फाइट बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोग भी छोटा होता है लेकिन अग्रेसिव बहुत ही ज़्यादा होता है। छोटे टैंक में अगर ये सारे को रखिएगा बहुत ज़्यादा फाइट होगा, जो भी अग्रेसिव मेल होगा जो अल्फा मेल सबसे पावरफुल मेल होगा वो दूसरे को हर दिन देखेगा, एक नए को टारगेट करेगा और वो फिर बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान करेगा, चेज करेगा, धीरे धीरे करके उसको कमज़ोर कर देगा, एट दी एंड वो मर जाएगा। इसलिए भी बहुत सारे फिशेज रेगुलर बेसिस में हम लोग मरते रहता है जब हम लोग अपने टैंक में टू मेनी मेल्स डाल के रखते हैं। इसलिए कभी भी ज़्यादा मेल्स को मत डाल के रखिएगा, हमेशा फीमेल्स का क्वांटिटी को मेल के कंपेयर से ज़्यादा रखिएगा तो आप देखिएगा फिशेज़ के बीच में जो फाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली फिशेज मरना कम हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल्स को ज़्यादा बाय मत कीजिएगा, और अगर आप मेल्स को ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो फीमेल्स को भी उसी के रेशियो में डाल के रखिएगा। अगर आपको जानना है कितना मेल्स और कितना फीमेल्स हम लोग अपने टैंक में रखना चाहिए तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहले से बहुत सारे डिटेल में वीडियोज़ है, वो सारा वीडियोज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मौली फिश, गप्पे फिश, बेटा फिश, पैरेट फिश, सबका अलग अलग एक प्लेलिस्ट है, वो सारा वीडियोस को भी आप देखिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। सिक्स्थ नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ओवरफीडिंग। ये फिश जो है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवरफीड करना। अगर आप इसको ओवरफीड कीजिएगा डेफिनेटली नेक्स्ट डे ही आप देखिएगा बीमार पड़ जाएंगे और मरना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी भी इस फिश को ओवरफीड आपको नहीं करना, ये आपको एकदम बात एकदम ध्यान में डाल लेना है।
फिश ओवरफीड करने से, इस टाइप का फिशेस ओवरफीड करने से डेफिनेटली मर जाती है, क्योंकि ये एक बार में अगर ज़्यादा फूड को खा लेती है तो वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ये इस फिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से हम लोग भी क्या करते हैं, जब एक पैलेट दिए देखे खा ली, दूसरा पैलेट दिए खा ली, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा पैलेट्स देते रहते हैं, वो देखते सारा पैलेट्स खाते रहते, तो हम लोगों को भी लगता है बहुत ज़्यादा भूखी है। एक और भी रीज़न होता है, हम लोग जब भी आते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्विम करती है, हम लोग को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, तो हम लोग को लगता है बहुत ज़्यादा वो भूख में, हम लोग और भी पैलेट्स डालते जाते हैं। ये भी करना एकदम ही गलत है। ये फिश ऐसा प्रिटेंड करेगी कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा पैलेट्स दीजिएगा तो डेफिनेटली ये फिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी इस फिश को गलती से भी ज़्यादा पैलेट्स वगैरह मत दीजिएगा, रेगुलर इंटरवल्स में दीजिए, और एक दो पैलेट्स करके देते रहिए, 4 घंटे 5 घंटे के इंटरवल में। एक बार में ज़्यादा दीजिएगा तो डेफिनेटली ये फिश उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और ये मरना स्टार्ट हो जाएगी। और इस फिश का सबसे बड़ा रीज़न होता है मरने का, वो यही है, मैक्सिमम लोग यही गलती की वजह से अपना फिश को धीरे धीरे करके मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ये गलती से खास आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी भी ओवरफीड अपने फिशेस को नहीं करना है। और लास्ट नंबर पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आता है आप लोगों के लिए जानना, वो ये है, इस फिश को एक एयर पंप को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप लोग बहुत लोग यही सोचते हैं कि इस फिश को एयर पंप का ज़रूरत नहीं है। ये फिश जो होती है ये सरफेस से आके ब्रीदिंग करती है, ये एकदम ही गलत है। ये फिश को डिजॉल्व पानी में ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। जब तक पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा आप देखिएगा तब तक वो टैंक में बहुत अच्छी तरीके से स्विम करेगी, लेकिन जैसे ही टैंक का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्फेस में आके स्विम करेगी। इसका मतलब ये है टैंक में डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब वो सर्फेस से आके ब्रीदिंग कर रही है, ब्रीदिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगी, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और मर जाएगी। इसलिए इस फिश के टैंक में एक एयर पंप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस एयर पंप को 24/7 रन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब भी बहुत लोग को मैं देखता हूँ, वो लोग छोटे छोटे जग वगैरह में रखते हैं, तो जग में कभी भी सारे फिशेस को मत रखिएगा, रखने से डेफिनेटली मरेंगे। ये सारे फिशेस देखने में छोटी होती है लेकिन इन लोगों को भी बड़ा स्पेस का ज़रूरत होता है, इसलिए कभी भी छोटे स्पेस वगैरह में मत रखिएगा, और इसको रेगुलर बेसिस पे ऑक्सीजन सप्लाई करते रहिएगा जिससे कि इसको ऑक्सीजन का कमी ना पहुंचे। सो फ्रेंड्स, यही था बस 7 मेन इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप ये 7 टिप्स को अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपके पास में जो भी फिशेज है वो बहुत ही कम मरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो 1 मंथ तक आप ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा 1 मंथ तक ये सारा चीज़ को अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा आपकी कोई भी फिशेज नहीं मरेगी। फिर नेक्स्ट 1 मंथ तक कीजिएगा, फिर धीरे धीरे ये करके आपका आदत हो जाएगा। बस आपको ये 7 टिप्स को सही से फॉलो करना है, डेफिनेटली आपकी भी जो फिशेज है वो देखिएगा बहुत ही कम मरने लगेगी। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।